सुनाने जा रहा हूं। साथियों, एक फलों की दुकान पर एक व्यक्ति खड़ा था। वो केले के दाम पूछ रहा था। दुकानदार ने उससे कहा 50 रुपए दर्जन। उसने सेब के दाम पूछे। दुकानदार ने उससे कहा 200 रुपए दर्जन। इतने में ही एक वृद्ध महिला आई। उसने पूछा केले क्या भाव दिए। दुकानदार ने कहा 10 रुपए दर्जन। उसने पूछा सेब क्या भाव दिए। दुकानदार ने कहा 50 रुपए दर्जन। उस महिला ने अपने जेब से कुछ सिक्के निकाले और बड़ी छोटी सी मात्रा में फल लेकर वहां से चली गई। बाजू में जो व्यक्ति खड़ा था वो हैरान हो गया। उसने कहा अभी अभी आपने मुझे केले 50 रुपए दर्जन और सेब 200 रुपए दर्जन बताए और आपने इस महिला को इतना कम क्यों बताया। उस दुकानदार ने जवाब दिया साहब इसका दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरी दुकान पर आती है। मैं कई बार इसकी मदद करना चाहता हूं, इसको दान देना चाहता हूं, इसको फ्री में फल देना चाहता हूं। ये कभी नहीं लेती। इसमें इतना ज्यादा स्वाभिमान है और मैंने देखा है ये जब भी मेरी दुकान आती है उस दिन मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी दुकान आती रहे, ये मुझसे लेती रहे। इसकी मैं जैसे ही मदद करने की सोचता हूं मुझे लगता है ऊपर वाला उस दिन मेरी मदद करने लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा इसको वो भाव बताता हूं जिस भाव पर ये फल लेके चली जाए और ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान हो जाए। साथियों, कहावत है जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है। एक अच्छे आदमी के पास धन आए 100 लोगों का भला होगा, एक बुरे आदमी के पास धन आएगा दुनिया में किसी का भला नहीं होगा। साथियों, यूरोप का एक रेस्तरां ध्यान आता है मुझे। बीच में जब अनेक बार कहानियां आई जिसमें यूरोप के एक रेस्तरां की बात आई, मैंने व्यक्तिगत रूप से उस रेस्तरां को विजिट किया। मैं वहां का आंखों देखा हाल बता रहा हूं। जब भी उस रेस्तरां में कोई व्यक्ति जाकर एक कॉफी ऑर्डर करता है अपने लिए तो एक कप कॉफी मेरे लिए और एक कप कॉफी एनोनिमस के लिए। और एनोनिमस के लिए का अर्थ है वो 2 कॉफी के पैसे पटाता है, एक कॉफी वो खुद पीता है, दूसरी कॉफी का स्टिकर दीवार पे चिपक जाता है। कुछ देर बाद कोई गरीब, कोई अंडर प्रिविलेज, अफोर्ड न कर सकने वाला व्यक्ति आता है और उस दीवार से वो एनोनिमस वाला स्टिकर उठाता है, काउंटर पर लेके जाता है, कॉफी पीता है, चला जाता है। जाने लोग ऐसा किस किस चीज के लिए करते हैं। वो पिज्जा के लिए करते हैं, वो कॉफी के लिए करते हैं, वो बेकरी आइटम्स के लिए करते हैं, वो अपने लिए लेते हैं और साथ में एक किसी अनजान व्यक्ति को दान दे देते हैं। मैं धन्य हूं ऐसे देशों की मानसिकता पर, मैं धन्य हूं ऐसे लोगों की मानसिकता पर जहां इस तरीके की सोच है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि ऊपर वाले ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, जितनी सामर्थ्य हो दिल से दान करेंगे ना 1 रुपए भी 1,00,000 रुपए के बराबर काम आएगा। और साथियों, एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, जीवन में कभी 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 रिटायर होने की मत सोचना। यदि आपको लगे मेरे पास बहुत हो गया है, मेरे को और जरूरत नहीं, मैं शांति से बैठ जाऊं, तो बस उस दिन अपना पेट भर लेना और जितना एक्स्ट्रा कमाओ दुनिया के लिए कमाना, उन लोगों के लिए कमाना जो आपके जितने भाग्यशाली नहीं है। आज वॉरेन बुफे 80 साल के हो गए उसके बावजूद वो एक एक मिनट कमाते हैं। बिल गेट्स हर क्षण उनकी कमाई करोड़ों से बढ़ती है उसके बावजूद उन्होंने कमाना नहीं छोड़ा। ये दुनिया के सबसे विनम्र लोग हैं, ये खुद पे सबसे कम खर्च करते हैं, आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं, आज भी सामान्य गाड़ियों में चलते हैं, आज भी लोवेस्ट लग्जरी में जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन ये कमाने में यकीन करते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलने की ठान ली है। किसी ने मलेरिया को मिटाने का ठाना है, किसी ने पोलियो को मिटाने का ठाना है, किसी ने हेपेटाइटिस मिटाने का ठाना है, किसी ने एड्स मिटाने का ठाना है, किसी ने प्रकृति बचाने का ठाना है, इन सब ने कुछ ना कुछ ठाना है। इसलिए यदि आप में कमाने की काबिलियत है मेरे दोस्त, तो कभी रिटायर मत होना। जीवन की अंतिम सांस तक कमाना, उन लोगों के लिए कमाना जो आपके जितने भाग्यशाली नहीं है। आज आपको संकल्प देता हूं कल ही कुछ दान कीजिए। किसी को कुछ धन दान कीजिए, किसी को कहीं कुछ सेवा दान कर दीजिए, किसी को कोई दवाई दान कर दीजिए, किसी को शिक्षा दान कर दीजिए। कब तक अपने हाथों को ऐसा रखोगे? कभी मंदिर में मांगते हो, कभी मस्जिद में मांगते हो, कभी गुरुद्वारे में मांगते हो, अरे हाथ ऐसा करने की जगह हाथ ऐसा कर दो। जिस दिन हाथ लेने वाले की जगह देने वाला हो गया ना, उस दिन ऊपर वाला आपकी चिंता खुद करेगा। और जब ऊपर वाला किसी की चिंता करता है
तो उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हो सके तो अपने प्रॉफिट का या और बड़ा करना हो तो अपने टर्नओवर का छोटा सा एक हिस्सा संसार के लिए रख देना। आपके साथ जो आपकी टीम काम करती है, ISR, इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में बड़ी बड़ी जगह बड़ी बड़ी चीजें बनाई है, लेकिन आपकी अपनी टीम के लोगों की फिक्र करिए। यदि आपके स्टाफ में किसी का बच्चा ब्रिलियंट है, शिक्षा नहीं ले पा रहा है, उस बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी ले लीजिए। यदि आपके स्टाफ में किसी की बिटिया की शादी हो रही है, वो सक्षम नहीं है, तो अपनी कंपनी में कन्यादान का एक छोटा सा फंड रखिए। यदि आपके यहां कोई बीमार पड़ता है तो वो बीमारी से उसकी पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है, उसका मेडिकल इंश्योरेंस कराइए। यदि ना कराया हो, यदि संभव ना हो, तो कम से कम उसकी हारी बीमारी में कुछ दान कीजिए। आपसे अपील करता हूं, बिना एक क्षण की देर किए आज ही दान स्टार्ट करिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो प्लीज YouTube पर जाइए, उज्जवल पाटनी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंचाइए। यदि इस वीडियो के माध्यम से लोगों ने दान करना शुरू किया, किसी गरीब की जिंदगी संवरी, किसी बच्चे को शिक्षा मिली, किसी बीमार को दवा मिली, तो उसके हिस्से का कुछ पुण्य आपके कोटे में आएगा और कुछ पुण्य मेरे कोटे में आएगा। आइए मिलजुल कर एक शानदार दुनिया बनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।